हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो वापस से स्वागत करता हूँ मेरी फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की शुरुआत करते हैं हम बालाजी महाराज के नाम से, जय बालाजी महाराज। तो अभी सुबह के बज रहे हैं, आई थिंक 11:30 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं हल्द्वानी। और हम हल्द्वानी किस करके जा रहे हैं मैं आपको बता दूँ, हल्द्वानी हम जा रहे हैं अपनी बाइक की RC को रिलीज़ कराने, जो कि हल्द्वानी RTO में जमा है। RTO में क्यों जमाया मैं बता दूं, मैं कुछ टाइम पहले गया था हल्द्वानी। तो हल्द्वानी में डबल हेलमेट जरूर चाहिए होता है, 2-व्हीलर पे आप दो लोग हो तो आपको दोनों हेलमेट चाहिए ही चाहिए। अगर आपके पास एक हेलमेट है तो आपका चालान कभी भी कहीं भी कट सकता है उत्तराखंड में। तो इस करके हमारा डबल हेलमेट पर चालान कटा था, जो कि था 1000 रुपये का। तो हमारी RC जमा कर ली थी, जो कि कुछ हफ्तों बाद मैंने रिलीज़ करानी थी CO ऑफिस से, बट मैं करा नहीं पाया था किसी रीज़न की वजह से। तो वो अब जा चुकी है RTO ऑफिस, तो अब हम जा रहे हैं RTO ऑफिस। RTO ऑफिस में जा रहे हैं अपनी बाइक की RC रिलीज कराने। और बाइक की RC रिलीज कराने हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मुझे लोकल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी RC से, बट अभी हम जा रहे हैं लंबे टूर पर 5-6 दिन के। तो मैंने सोचा यार मैं अपनी बाइक की RC रिलीज करा ले रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी प्रॉब्लम हो जाए। अगर बिना RC के मैं बाइक लेकर जाऊँगा और पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो तगड़ा चालान हो सकता है। इस करके मैं अपनी बाइक की RC रिलीज कराने जा रहा हूँ। और ये हल्द्वानी का हरा भरा जंगल जो आप देख रहे हो, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है और यहाँ पर कुछ लोग अपने फ़ोटो शूट कर रहे हैं। और गाइस मैं आपको एक बात बता दूं यार, मैं 2 से 3 बार जा चुका हूँ RTO ऑफिस, बट मेरी गाड़ी की RC रिलीज़ हो नहीं पा रही है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, कभी कोई डॉक्यूमेंट उनका, मैं पैसे भी भर रहा हूँ उसके बाद भी नहीं छूट पा रही है। अगर हल्द्वानी से कोई मेरा ये ब्लॉग देख रहा है, उसकी जान पहचान अच्छी है RTO ऑफिस में या वैसे पुलिस वालों से, तो यार प्लीज़ हेल्प मी, मुझे DM करते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरी RC रिलीज़ करा दें यार प्लीज़। फिलहाल तो आज जा रहा हूँ, देखता हूँ, पूरी कोशिश करूँगा RC रिलीज कराने की। अगर नहीं होती है तो प्लीज़ यार मेरी हेल्प कर देना, बहुत परेशान हूँ। तीसरी बार जा रहा हूँ मैं आज अपनी RC को रिलीज़ कराने। तो चलते हैं अभी, शायद मैं 1 से 1.5 घंटे में पहुँच जाऊँगा अगर इसी स्पीड से चलूँगा तो। वैसे तो मेरा प्लान था कि मैं आज कहीं निकलने वाला था, बट मैंने सोचा यार RC का होना बहुत ज़रूरी है यार, बिना डॉक्यूमेंट्स के गाड़ी को ले जाना पहाड़ में, अधिकतर मतलब पहाड़ में तो ले जाना बहुत रिस्की है क्योंकि पहाड़ में ज़्यादा स्ट्रिक्ट है पुलिस वाले और CPU ज़्यादा, अधिकतर आपको हर जगह मिल ही जाएगी। तो इस करके मैंने सोचा यार अपने बाइक के डॉक्यूमेंट कंप्लीट करा ले रहा हूँ और फिर मैं निकलता हूँ एक अच्छी लंबी राइड पर। तो आप लोग मेरे ब्लॉग को देखते रहें। तो गाइज यहाँ से देख रहे हो आप हल्द्वानी है 18 किलोमीटर। तो गाइज फाइनली अब हम पहुँच चुके हैं हल्द्वानी, आप देख रहे हो ये है हल्द्वानी। और RTO का जो डायरेक्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। और हल्द्वानी में यहाँ पर चल रही है चेक इन, शायद काफ़ी तगड़ी चेक इन चल रही है। सच बताऊँ तो पुलिस वालों को देखकर अब डर लगने लग जाता है यार, इसलिए अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स पूरे करने में। ये देखो गाइस यहाँ पर हो रही है चेक इन, बहुत आप देख रहे हो जैसा कि, सच बताऊँ तो बहुत डर लगने लग गया यार पुलिस वालों से, जब से मेरी गाड़ी की RC जमा हुई है। इसलिए ना गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हों तो कहीं भी चले जाओ, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। बट गाड़ी का अगर एक भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है ना, तो अंदर से मतलब एक डर सा लगा रहता है कि कब कहां पर कोई चेक इन वाले मिल जाएं और आपको पकड़ कर कुछ भी पूछने लग जाएं। आपके डॉक्यूमेंट कम्प्लीट होना बहुत ज़रूरी है, बिना डॉक्यूमेंट के गाड़ी ना चलाएँ, मैं तो आपको यही सलाह दूँगा, बाकी तो आप लोग समझदार हो ही यार। तो अभी हम हल्द्वानी पहुँच चुके हैं और हम चल रहे हैं आगे की ओर, जहाँ से हमको जाना है RTO ऑफिस। यार आप लोग विश करना कि आज मेरी RC रिलीज़ हो जाए, क्योंकि मुझे ना यार निकलना है टूर पर। तो गाइज आप देखो ये है, यहाँ पर एक बोर्ड लगा है, यहाँ पर दिख रहा है नैनीताल 47 किलोमीटर और RTO दिख रहा है यहाँ पर 10 किलोमीटर। तो हमें इस साइड से जाना है RTO के लिए। तो अभी हम आपको दिखा दूँ, ये देखिए गाइज यहाँ पर आपको टर्न करना है लेफ्ट हैंड पर, जो कि RTO ऑफिस के लिए जा रही है। तो गाइज आप मेरे सामने देख रहे हो RTO, ये RTO आ चुका है। और RTO भी पहुँच कर मैं आपको बताता हूँ कि क्या होने वाला है। RC रिलीज़ हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है यार। और मैं आज पूरी कोशिश करूँगा अपनी RC रिलीज़ कराने का। मैं आपको हल्द्वानी का RTO दिखाता हूँ कि कैसा है। तो चलो चलते हैं अंदर, पहुँच ही चुके हम RTO। और RTO में जाकर किसी को पकड़ता हूँ यार, किसी अच्छे इंसान को जो मेरा काम करा पाए। वैसे तो यार वो लोग सुन ही नहीं रहे मेरी बात। RTO वाली रोड बड़ी गंदी है यार, बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये है हल्द्वानी का RTO, हम पहुँच चुके हैं RTO ऑफिस। ये देखो गाइस ये पूरा RTO ऑफिस है, ये देखो यहाँ पर शॉपें दिख रही होंगी आपको। और ये है अंदर जाने का, ये देखो यहाँ का RTO।
गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं यहाँ पर। तो चलो चलते हैं, किसी को पकड़ते हैं और गाड़ी का अपना काम कराते हैं। यहाँ पर गाड़ी लगा देते हैं अपनी। गाइस ये आप देख रहे हो यहाँ का आरटीओ, चलते हैं, ये पूरा आरटीओ है और देखते हैं किसी से अगर हो पाता है काम। तो यार मुझे लग नहीं रहा वैसे, बट कोशिश करते हैं, किसी भैया को पकड़ते हैं यार। तो गाइस ये है वो जगह जहाँ आरटीओ में हम एक से डेढ़ घंटा हो गया बैठे हुए, और अभी हम वेट कर रहे हैं एक सर का, क्योंकि हमने एक मतलब एक सर थे उनसे हमने बात करी थी, तो उन्होंने बोला थोड़ा हेल्प कर देंगे। तो मतलब एक अभी बड़े सर हैं कोई, वो आने वाले हैं, तो फिर उनका वेट कर रहे हैं। तब से हम यहीं बैठे हैं, मुझे यहाँ पे हो चुका है कम से कम एक से डेढ़ घंटा, तो अभी यहाँ वेट कर रहे हैं। और ये पेड़ के छांव में हम बैठे पड़े हैं, ये छोटा सा यहाँ ग्राउंड टाइप का है, इसके अंदर बैठे हैं। यहाँ पे सीमेंट के थंब बना रखे हैं। तो अभी जैसे ही सर आते हैं, वैसे मेरे को बोला उन्होंने कि 2:30 बजे सर आएंगे, तो जैसे ही सर आए उनसे मिलते हैं। अगर वो साइन कर देंगे एक तो हमारी गाड़ी की आरसी रिलीज हो जाएगी, तो देखते हैं यार वो साइन करते हैं या नहीं करते हैं। अगर नहीं करे तो नहीं छूट पाएगी, तो फिर हमें पूरा जितना भी पेनल्टी है वो देना पड़ेगा, जो भी है 6 से 7 हज़ार या जो भी 5-6 हज़ार। अगर उन्होंने साइन कर दिए तो 1000 से 1500 रुपये में ही छूट जाएगी। तो विश कि वो साइन कर दें और हमारी गाड़ी की आरसी रिलीज हो जाए, ताकि मैं जा पाऊँ यहाँ से। तो फाइनली गाइज वो काम हो चुका है जिस काम से हम हल्द्वानी आए थे। हल्द्वानी हम अपनी आरसी रिलीज कराने आए थे और फाइनली आरसी रिलीज करा लिए। मतलब बहुत चक्कर लगाने के बाद मैंने सोचा यार कुछ पैसे कम हो जाएंगे, 6000 रुपये का चालान था, बट कुछ कम हो नहीं पाया, बहुत सारे लोगों के पास गया, फिर भी मैंने छुड़ा ली। मैंने कहा यार अब क्या करना, फाइनल में छुड़ानी पड़ेगी, तो मैंने आरसी अपनी छुड़ा ली है। बाकी मैं आपको बाइक को बताता हूँ कि क्या कैसे करके हुआ, तो चलो बाइक पर बात करते हैं। तो जैसा कि गाइज मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी आरसी रिलीज करा ली है, मैं बताऊँ मेरी आरसी जमा जो की थी उन्होंने डबल हेलमेट की वजह से की थी, और मुझे कम से कम 2 या 3 चक्कर लगाने पड़ गए हैं हल्द्वानी में। मैंने सोचा कि किसी से बात कर कर के थोड़ा सा चालान का जो मतलब अमाउंट है वो कम हो जाएगा, तो मैं इसी चक्कर में 2 से 3 बार आ गया। तो उस चक्कर में मैं यहाँ पर जो आरटीओ थे हल्द्वानी के, आरटीओ ऑफिसर जो भी हैं जिनका नाम था नंद किशोर जी, मैं उनसे भी मिला, तो उन्होंने भी मतलब फ़ाइनल में यही बोला कि इसका अमाउंट कम नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये ऑनलाइन चालान कटा हुआ है, तो इसको तो आपको पे करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद फिर मैं एक विमल पांडे सर थे, वो भी कोई एडमिनिस्टर थे शायद, तो उनसे मिला, उनसे भी मतलब मिलकर काम नहीं हो पाया। मतलब कुल मिला के ये कि मैं सारे लोगों से मिला, किसी से मिलकर कोई काम नहीं हो पाया। फाइनल में मैंने फिर जाके अपनी 6000 रुपये की जो अमाउंट थी वो जमा की और चालान करके मतलब चालान पे करके अपनी आरसी रिलीज करा ली है, और अब मेरे डॉक्यूमेंट्स सारे कंप्लीट हो गए हैं, तो इस बात की मुझे खुशी है। चलो कम से कम पैसे देकर हुआ तो काम, बट हो गया काम, और अब जा कर के फाइनली गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं, और अब हम तैयार हैं कहीं भी जाने के लिए। मतलब अपनी बाइक आप कहीं भी ले जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे जो हमको चाहिए होते हैं। तो अब हम निकलेंगे अपनी राइड पर और आपको देखने को मिलेंगे फिर बहुत जल्दी से। ब्लॉग आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।